Hey there, this is Bhogna Sisters and welcome back to our channel. It's me, Shobha Bhogna. And I'm Mashi Bhogna. तो आज हम देखने वाले यंग स्टनर का कोलैबोरेशन है ये क्वारंटीन। एक्चुअली ये कोरोना की वजह से क्वारंटीन तो बस एक ही चीज में ध्यान आता है मेरे को। कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटीन के और भी मतलब होते होंगे, मतलब कि सेपरेट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने क्वारंटीन कभी अपनी लाइफ में यूज ही नहीं किया होगा ये वर्ड। जब से कोरोना आया तब से पता चला ओके ठीक है क्वारंटीन। सो जो ये सॉन्ग है इसके काफ़ी हमें सजेशंस आ रहे थे और यंग स्टनर और कृष्णा के दोनों के ही अलग अलग सजेशंस आ रहे थे और कुछ लोगों ने साथ में क्वारंटीन का सजेशन भी किया था, तो हमने सोचा कि लेट्स चेक इट आउट दिस वन, क्योंकि इसमें कोलैबोरेशन भी है और दोनों साथ में भी हैं जो मोस्ट सजेस्टेड पर्सन थे, तो इसीलिए सो लेट्स चेक इट आउट, फिर हम बात करेंगे कि हमें कैसा लगा। ओके ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में, ये बजता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लोंडे डिफॉल्टर भागेंगे। हम उल्लू हैं रातें भी जागेंगे, हम वायस हैं बेटा हम वायस हैं, तू रियल है तो हम भी नाइस हैं, तू रियल नहीं तो हम भी चौड़े में, जो नसीली नहीं मेरे लोड़े पे, थोड़े से बीफ से घबरी जो हो रहे थे, आंखें खोल के ये सबरे पर सो रहे थे, बातें चोदने से बच्चे नहीं होते वे। खेओ माय चेस्ट, खेओ माय चेस्ट, हम देसी हिप हॉप के नशे में, वी रैपिंग इन चेक्स, खेओ माय चेस्ट, मीडिया के लांचों से बचे हुए दिल में सब रख के ये माइक पे फटेंगे, सिलेबस की तरह सिलेबस रटेंगे, या मैजिकल बेटा कलम में जादू है, रुकता नहीं बेटा ये कलम में काबू है, खुद का नहीं तेरा ये जिन्नों की आमद है, कुछ दिनों में फिर आनी सबकी शामत है, ये हम आकते तेरे इख्तिताम की बाजे अलामत है। You know. मेरे साथ कितने साल से तलहा यूनस, एक टेक्सकोप जैसा फोकस ब्रो, मैं तो मेरे लिल होमी से भी इंस्पायर्ड हूँ, रफ चाइल्डहुड लेकिन भाई लाइफ गुड, स्टूडियो ही घर चर्चे और फास्ट फूड, 24 घंटे रेडी मदरफकर लेट्स डू इट, जब मैं तेरे जैसा नहीं तू मेरे जैसा क्यों है, मारे तूने मिस फायर अभी तेरा राउंड खाली, तेरा सर पैर भाई भाई पूरा साउंड खाली, तू काम भारी नहीं तेरा काम भारी नहीं, जितने मेरे खर्चे तेरी आमदनी नहीं, तेरा नाम होगा लेकिन काम मिले नहीं, किस काम का वो नाम जिसका दाम लगे नहीं, तेरे साथ वाले तेरे साथ लेकिन तेरे सगे नहीं, मदरफकर यू नो। से निकले खजाने से सच के पैमानों से, पी रहा पानी से काबिल नहीं दुनिया ये, फिर भी हमारे नहीं लाया गवा भी मैं, ये तो गवारे वे अंधों में गाने हैं। बीटों पे पब्लिक नचारे कहते मचारे, अबे चुप हम उजारे तुम सस्कारे, मेरे गाने सुने वाले जाने जाने ये खिलाए, हम जाए नहीं भाई टाइम लिया भाई ग्राइंड किया, तेरा टाइम क्या करूं मैं रिवाइंड क्या करूं, फिर से टाइट किया तेरी हाइट से और ज्यादा मेरी हाई, प्यार बॉर्डर पार से भी मिले प्यार अल्फाज से, द नाइट मिस स्लीप टाइट करूं डीप प्लान ऑन दीस बाय शो इन पीस साइंस, लुक एट मी बॉय सेल रैपिंग स्ट्रीट्स लाइक डाउट बाय नेवर डू इट फॉर द क्लाउड एजी स्टाइल, वो तारे से जो मारे नहीं हमारे नहीं, वो कहते थे म्यूजिक में पैसा नहीं पर हम कमा रहे, शो बजा रहे मिलके खा रहे, तुम निकाल रहे सिंपैथी पे ये कमा रहे, खुदा मुझे बचा ले ये कला मेरी गवाह है, ये बता दे कौन नया है मेरे दुश्मनों की राय, लेने वाले भी गुमराह मुनाफिकों की इज्जत अपने माशरे में काए, ये फ्रॉड बने चले गॉड, सोचा दिन का वक्त बदल दूं, हक बदल दूं सब बदल दूं, लेने पे आता तो बालों के मैं रंग बदल दूं, लंड पे चढ़ बोलूं मैं तेरे हम शक्ल को, कम अकल पे ले फ्लो पकड़ तू छोटे वरकू, कलमकार ये बास मेरे अलमनाक सरत पार भी वाकिफ हमाम जानी खबरदार, बिग एल जैसे ऑफिस में नफाउ शायद मेरा बैव ना आई एम सो हाई नाउ, मेरी बारी वाइब ब्लो मैं हूं वाइट क्लाउड वाला बेटा क्लाउड 9, जब भी मेरा वर्स बजे कीप द म्यूजिक लाउड मैन, 2020 चौके ऑन द बीट लेट मी प्रीच आई सी लीड रैपर जैसे राजे को जरूरी चीज, पहले सीख छोटे फिर आना तू बीट पे, बातें गहरी जैसे खंदक रेफरेंस डीप ये तो ला तू ठीक है, चीनी कम मुझे तो मीठा पसंद नहीं, हाँ कृष्णा के नाम से सड़े ये जैसे इंसानों को गीता पसंद नहीं, हाँ जलती है इनकी हर सुबह तो बोले ये हमको तो तीखा पसंद नहीं, हाँ I got these rappers so salty लगता है मुझको अफीका पसंद नहीं, ऐ They don't wanna fuck with the boy, आई मेरी वेव तो वो सबको डुबोए, मेरे enemies मेरे सपनों में रोए, सारे नरम है गलौटी जैसे लखनऊ में होए, कराची से दिल्ली ये तोहफा है, बेफजूल लूंडी करते जैसे नोटा है, चैन नहीं मिलता तू इतना क्यों रोता है, सुना तेरी जात का होता है छोटा है, YS dollar sign combined है Columbine या ना है borderline, जब साथ है all our kind of grinding all the time, all life on the line, करूँ ना हो या swine मैं तो करूँ quarantine, yeah I got the nine and I'm ready for the retake, जो नम दिनों रोज को था just wanna see cake, मेरे लिए एक ही Calvin वो है bro the snow CK, already legendary करूँ वेप कैरी जैसे military में तो वाके इन्हें मौत तू, always secondary तू waited in very सीधा cemetery जाके फटाफट पहुँच तू, पैटर्न सैनिटरी तेरे लिए necessary जैसे veterinary मेरे आगे भौंक तू,
मेरे एडवर्सरी जाते मैं तो रहता वेरी शिट इज कैरी अगर आके करे मेरे डॉट पे नॉक टू बेस्ट इन द गेम और इसमें दो राय नहीं अपनी बातें मैंने अब तक दोहराई नहीं घोड़ी बनाया पर मैंने दौड़ाई नहीं मेरा तो हारने का कभी दोहराए नहीं समझ नहीं आए मेरे लव बरारूंगी वो शिट जैसे हुआ मुझे कब सी स्टूडियो गैंगस्टर्स माइक पे टफ आया फाइट तेरे इन्हें ऑन साइट पे भी रफ So, जो स्टार्टिंग में रैप आई थी ना गलते ये गाना बजेगा तेरे गली के नाके पे गली में तेरे इलाके में और वो गली में ही शूट हो रहा था कपड़े वपड़े सब सूख रहे थे वहाँ पे बिल्कुल घर वाली फीलिंग जो बता रहे थे वो एक्चुअली वहाँ पे गली में ही थे ये गली तेरे गली में बचेगा तेरे इलाके में बचेगा हर गली के नाके पे बचेगा एंड मतलब फर्स्ट हाफ की रैप मुझे बहुत टचिंग सी लगी बिकॉज उसमें जैसे बोल रहा कि जितने तेरे खर्चे नहीं उतनी मेरी आमदनी हाँ जितने मेरे खर्चे हैं उतनी तेरी आमदनी नहीं हाँ उतनी आमदनी नहीं और ये कलम है जो रुकती नहीं है जो रुकती नहीं है और हम सामने नहीं बोलेंगे हम माइक फाड़ के नहीं हम दिल में नहीं देखेंगे हम माइक पे फोड़ेंगे या माइक पे फटेंगे सॉरी माइक पे फोड़ेंगे कुछ ऐसी था बट वो मतलब काफी पैशनेट चीज बोली उन्होंने क्योंकि एक जो सॉन्ग मतलब एक रैपर और एक सिंगर जो भी होता है वो जो अपनी बात है अपनी मन की बात है वो अपनी ऑडियंस को अपने टैलेंट से और अपने सॉन्ग्स के थ्रू वो पोइट्री करता है मतलब चीजों को बताता है तो ये बहुत अच्छी थी हम दिल में भी था उसके पीछे तो हम दिल में देखेंगे माइक पे फटेंगे तो बहुत अच्छा था वो भी और ये दिल्ली से कराची क्यों अच्छा लगता है दिल्ली से कराची और से कराची और एक सेकंड पार्ट में बता कि बॉर्डर पार से कुछ एक लाइन थी बॉर्डर पार करके बॉर्डर पार करके एक पता नहीं मुझे लाइन याद नहीं कुछ था बॉर्डर पार करके पब्लिक अपने साथ है कुछ ऐसा था हाँ तो ऐसा हो सकता है ना क्या पता कि वो इंडियन क्योंकि इनको इंडियंस भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो क्या पता उसका मतलब हो कि बॉर्डर पार भी अपने उसका मतलब एक्चुअली यही था कि हाँ बॉर्डर पार से भी पब्लिक अपने साथ है अपना एक ये बता ना कि अगर तू नाइस है तो हम अगर तू रियल है तो हम भी नाइस है अदरवाइज हम भी चौड़े में कुछ ऐसा था एक वो भी ऑसम था मतलब वी लव इट एंड कृष्णा वाला पार्ट भी ये लेकिन सिगरेट की स्मोक लाइक सिगरेट की पूरे थे मुझे वो समझ में नहीं आया सब सिगरेट पीते स्टार्टिंग में नहीं कृष्ण नूडल्स खा रहा था नूडल्स खा रहा है ऐसा हो सकता है कि क्या पता उनको नूडल्स पसंद हो इन दोनों को सिगरेट पसंद हो है ना दो दो भाई जो तुझे पसंद है तो वो पिएगा जो मुझे पसंद है वो पीऊंगा तो कृष्ण ने बोला मैं नूडल्स खाऊंगा मजाक था ये जस्ट जोक बट हाँ आई डोंट गेट इट कि वो सिगरेट क्यों पी रहे थे बट कोई नहीं बट हाँ मतलब मेरा क्वेश्चन है सिगरेट क्यों पी रहे थे बट यार इंग्लिश में रैप बहुत अच्छी करते हैं ना हाँ जब जो इनके इंग्लिश में लाइन आती है ना मतलब आई लाइक दैट मतलब काफी पैशनेट लगते हैं ये जब ये बोलते हैं ना इंग्लिश में रैप करते हैं तो मतलब काफी अच्छा लगता है सुनने में सो इसलिए तो मेरी तरफ से इनकी तारीफ यार इनको देख के मतलब एक इनकी पर्सनैलिटी को देख के लगता है कि इतने ऑसम रैपर होंगे मतलब जब स्टार्टिंग में मैंने गाना सुना तो लास्ट टाइम जब हमने गुमान पर रिएक्ट करा था तो मुझे लगा यार कि ठीक है ये मतलब नॉर्मल सिंगर होंगे मुझे मतलब उस रैप को लास्ट टाइम के रैप को सुन के मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये होंगे क्योंकि हमने इनको और सुना नहीं था तो हमने सोचा चलो ठीक है जैसे सजेशन आएंगे हम इनको फाइंड आउट इनको एक्सप्लोर करेंगे तो मतलब मैं बहुत देख रही हूँ तो मतलब भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि यार क्या यही गा रही है इनका रैप एक स्मूथ सा लगता है मेरे को मतलब मैं एक एक वर्ड समझ पाती हूँ एक एक वर्ड समझ पाती हूँ ऑनेस्टली जब ये रैप करते हैं और मुझे कृष्णा का लास्ट पे पार्ट था जब वो एकदम बोल रहा था ना एमिनम है ना एमिनम बाहर का जैसे गॉड ऑफ रैपर कहते हैं वो उसकी तरह कुछ गा रहा था थोड़ा पर फिर पॉज ऐसे तीन बार करा ऑलरेडी लेजेंडरी करूं वेब कैरी जैसे मिलिट्री में तो वाकई इन्हें मौत दूं ऑलवेज सेकेंडरी तू वेटेड इन मेरी सीधा सेमेटेरी जाके फटाफट पहुंच तू पैड सैनिटरी तेरे लिए नेसेसरी जैसे वेटरनरी मेरे आगे भोंक तू मेरे एडवर्सरी जाते मैं तो रहता वेरी शिट इज कैरी अगर आके करे मेरे डॉट पे नॉक मुझे मजा आ गया सुनने में वाला पार्ट बहुत अच्छा था मतलब सो या वी रियली लाइक दिस सॉन्ग और तीनों ने ही बहुत अच्छा गाया और बहुत 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 ही अच्छा हां बहुत ही अच्छा गाया सो गाइज लेट्स रैप अप थैंक यू सो मच हमारी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गो टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक इट
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।